हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनएस बिल्डर प्रॉपर्टी एडवाइज़र एंड कंसल्टेंट। आज मैं आपके साथ एक चार मरले मकान का वीडियो शेयर करने जा रहा हूं। ये चार मरले में मकान बना हुआ है, सिंगल स्टोरी, और ये मैं आपको उसकी फ्रंट व्यू दिखा रहा हूं। ये मकान अमृत विहार कॉलोनी में है, जलंधर में, वेरका मिल्क प्लांट के बैक साइड, हाईवे से हाफ किलोमीटर डिस्टेंस है, 0.5 किलोमीटर। और आप देख सकते हैं कि इसके आसपास काफ़ी अच्छे मकान बने हुए हैं, अच्छी फैमिलियां रह रही हैं, और इसके जो रोड का साइज है वो 22 फीट है। और ये मकान का व्यू आप ये सिर्फ देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर मकान है, अच्छा एलिवेशन बना हुआ है। और मैं अब आपको इसकी इंटीरियर दिखाने जा रहा हूँ मकान का। आप देख सकते हैं इसकी गेट की चौड़ाई 9 फीट है, इसमें हैचबैक गाड़ी आराम से खड़ी हो जाएगी घर के अंदर। और अब मैं आपको इसकी इंटीरियर दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं बाहर जहाँ पे गाड़ी खड़ी होगी पोर्च पे, वहाँ हैवी ड्यूटी नन स्केड टाइल लगी हुई है, आप देख सकते हैं। ये आपको मैं इसका पोर्च का फ्रंट दिखा रहा हूँ, टाइल वर्क हुआ हुआ है मकान में। अब मैं आपको इसके इंटीरियर दिखाने जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि इसमें जाली का पल्ला लगा हुआ है 8 फीट का, जिससे कोठी में खूबसूरती में काफ़ी चार चांद लगते हैं। और आप ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छा वुडन डोर लगा हुआ है फ्रंट में मकान के। और हम अब ये लॉबी के अंदर इंटर कर रहे हैं। इस मकान में लॉबी ड्राइंग कंबाइंड है। इंटर करते के साथ ही लेफ्ट साइड ये किचन है, मॉड्यूलर किचन बनी हुई है। किचन के वो कपबोर्ड का वार्डरोब का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा है, रेड एंड वाइट का, आप देख सकते हैं। इधर साइड में रेफ्रिजरेटर के लिए भी अच्छी स्पेस बनी हुई है किचन में। और मैं आपको किचन की इंटीरियर दिखा रहा हूँ, जो जो यूटेंसिल्स एसेसरीज चाहिए किचन में वो अवेलेबल हैं, आप इस पर देख सकते हैं। वार्डरोब के पल्लों में हाइड्रोलिक सस्पेंशन लगा हुआ है। किचन की सेल्फ पे डबल सिंक टैब लगा हुआ है। और इसके फ्लोरिंग विट्रीफाइड टाइल की हुई है, काफ़ी अच्छी टाइलें लगी हुई हैं आइवरी कॉम्बिनेशन में। ये आपको मैं बेडरूम दिखा रहा हूँ। बेडरूम का जो साइज है 10.5 बाय 11.5 फीट की साइज़ है बेडरूम का एक। इसके साथ ही एक छोटा सा पोर्शन अवेलेबल है जिसमें आप इसे स्टोर बना सकते हैं, या फिर इसको पूजा रूम या बच्चों के स्टडी रूम में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप इसका रूफ देख सकते हैं। कोठी में डे टाइम काफ़ी अच्छी लाइटिंग रहती है। ये अब मैं आपको वॉशरूम दिखाने जा रहा हूँ, एक कॉमन वॉशरूम है, देख सकते हैं इसमें आप सीट्स वगैरह और टाइल्स वगैरह सारी फिटिंग हुई है। टाइल की कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छी है। और इसका डोर है सारा वो एलुमिनियम का लगा हुआ है, लेटेस्ट डिज़ाइन का डोर है, उसमें ग्राफिक्स डिस्प्ले बनी हुई है। अब मैं ये आपको दूसरा बेडरूम दिखाने जा रहा हूँ। इस बेडरूम का जो साइज़ है अपनी 10.5 बाय 12 का साइज़ है बेडरूम का। और इसमें एक पूरी छत की हाइट तक वार्डरोब बना हुआ है, आप देख सकते हैं। इसमें मिरर भी लगा है, ड्रेसिंग के लिए भी अच्छी है और काफ़ी स्पेस है वार्डरोब में। इसके साथ भी एक विंडो है जहाँ से पूरी हाउस में लाइट रहती है, बेडरूम में भी। और ये आपको मास्टर बेडरूम का मैं वॉशरूम दिखा रहा हूँ, साथ में अटैच है।
इस पर भी काफ़ी अच्छे एल्युमिनियम डोर में ग्राफिक्स की हुई है और आप इसका बाथरूम देख सकते हैं, सीट्स वगैरह सोनसेरा की लगी हुई है, काफ़ी अच्छी फिटिंग है, टैप शावर सारा फिटमेंट है। ये आप कोठी की व्यू देख सकते हैं, पूरी कोठी में विट्रीफाइड टाइल का वर्क हुआ है। अब मैं आपको टेरेस का व्यू दिखा रहा हूँ, सिंगल स्टोरी हाउस है, ऊपर मम्टी बनी हुई है, आप देख सकते हैं स्टेयर्स पे पूरी मार्बल का काम हुआ है, फुल भी मार्बल है और इस स्टेयर्स पे ये पौड़ियों पे स्टील की रेलिंग लगी हुई है, पूरी एसएस स्टील रेलिंग है। हाँ जी, मम्टी में भी काफ़ी स्पेस है, इसमें आप मम्टी को स्टोर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं या ऊपर में कुछ भी आपने फिटिंग वगैरह करानी है, जैसे इन्वर्टर के कनेक्शन उसके प्लग्स रखे हुए हैं। मम्टी में वेंटिलेशन की भी स्पेस देखिए, आप देख सकते हैं। अब मैं आपको टेरेस का भी दिखा रहा हूँ, ये जो हाउस है टू साइड ओपन है, इसके फ्रंट में 22 फीट का रोड है, उसके बैक साइड 35 फीट की रोड, काफ़ी खुली रोड, वाइड रोड है। आप देख सकते हैं कॉलोनी के आसपास का व्यू काफ़ी अच्छा है, आसपास ये मैं आपको टेरेस का व्यू दिखा रहा हूँ सारा। मकान की दो दीवारें हैं जो इंडिपेंडेंट मकान है, दोनों साइड 9-9 इंच की दीवारें हैं। ये आप आसपास का व्यू देख सकते हैं। अब मैं टेरेस से नीचे की तरफ जा रहा हूँ दोस्तों, आपको इसका फ्रंट व्यू एक बार फिर से दिखाऊंगा। कोठी में डे टाइम में पूरी लाइट रहती है, इलेक्ट्रिसिटी की पूरी सेविंग है। चार मरले में बना हुआ काफ़ी ही खूबसूरत मकान है, आसपास की लोकेलिटी भी काफ़ी अच्छी है, आप देख सकते हैं। ये मकान का आपको व्यू दिखा रहा हूँ मैं बाहर का। दोस्तों, और मकान और प्लॉट के लेटेस्ट अपडेट के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं आपको और भी अच्छे अच्छे मकानों की वीडियो शेयर कर सकता हूँ। जिस भी दोस्त ने ये मकान लेना है और या देखना है, वो मुझे नीचे दिए गए नंबर पे कॉन्टेक्ट करके मुझसे मिल सकते हैं और ये मकान देख सकते हैं। थैंक यू।